हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जी कहिए। आपको कैश डालना है या निकालना है? ये क्या है? देखिए ना जरा। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है। शीतल जी। शीतल, शीतल क्या हुआ तुम्हें? शीतल जी, शीतल आपने क्या किया इसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया। मैडम, सर देखिए क्या हो गया, यहाँ पे सब लोग गिर रहे हैं। अरे पायल, शीतल जी, सुरेश जी, हेलो, अरे क्या हो गया इनको? एक मिनट। हेलो, काम हो गया, जल्दी आओ। हेलो, हाउ यू आर? आई एम फाइन, थैंक यू। समझ तो गए होंगे ना आप लोग। बोलने की जरूरत है क्या? ये क्या तमाशा है? देखो तुम हीरो है तू, एक शब्द भी बोला ना तूने, इधर ही ढेर कर दूंगा तुझे। हाँ हाँ बाबा, बैंक से पैसे निकलवाकर सीधा घर ही वापस जाऊंगी। ओ डार्लिंग, तुम ना बहुत टेंशन लेते हो मेरी। अब चल, खड़े हो जाओ। अगर किसी ने चूप भी की ना, भेजा उड़ा दूंगा उसका। बैंक में मुझे क्या होने वाला है? तुम्हारा बस चले ना, तुम सारा दिन मुझे बेड से नीचे ही ना उतरने दो। मोबाइल बंद, कोई कॉल नहीं करेगा। हाँ, किसी ने मोबाइल का बटन दबाया, मैंने ये दबाया। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? काम करो, वॉक करो, और तुम हो कि रियली यू आर वेरी क्रेजी। चलो अब मुझे रूट क्रॉस करनी है, घर पहुंच के बात करूंगी। बाय। तेरे पापा भी ना बहुत डराते हैं। रोड है, ध्यान से चलना, बैंक में थोड़ी देर बैठ जाना, सारा दिन मेरा ख्याल रखते रहते हैं बस। हम लोग भी ना जल्दी से बैंक का काम निपटा के ना जल्दी से घर वापस चले जाएंगे।
हे भगवान, ये सब क्या? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सांस चल रही है, लगता है सब बेहोश पड़े हैं। मैनेजर साहब, लगता है पुलिस को फोन करना पड़ेगा। नीचे 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 हो, क्या क्या है, क्या कर रहा है? पुलिस को फोन कर देगी तो खेल खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, अभी निकल जाएगी, प्रेग्नेंट है वो। बिजी बता रहा है बस। जितना दिमाग है उतना ही इस्तेमाल करना। चल नीचे नीचे, जब कुछ बोलूंगा तभी कुछ करना, उसके बिना कुछ नहीं, समझे? यहाँ फोन क्यों नहीं लग रहा? लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। चल नीचे नीचे, मना किया ना मैंने तेरे को। चली गई वो। दिमाग से पैदल है क्या अंगद? उस औरत को मार देते तो सारी मुसीबत खत्म हो जाती। अब वो जाके पुलिस को इन्फॉर्म करेगी और हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अभी भी वो बाहर है, मैं उसे खत्म कर देता हूं। इस ग्रुप का लीडर मैं हूं, जब तक मैं नहीं बोलूंगा कोई यहां से नहीं जाएगा बाहर, समझा? अरे भाड़ में गई तेरी लीडरगिरी। उस औरत को मारना बहुत जरूरी है, बात को समझने की कोशिश कर। देख, अब वो पुलिस से बात कर रही है। पुलिस चौकी पास में है, 5 मिनट में पुलिस यहां पर आ जाएगी, समझा? सामान इकट्ठा करो और यहां से निकलो, समझे? चिंटू सही कह रहा है, ऐसा ना हो कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा ना, समझा? निकलते। अंगद सोच मत, निकल यहां से। बैंक के अंदर आई तो क्या आपने किसी को देखा नहीं? देखा ना सर, इन सब को, सारा स्टाफ ऐसे ही बेहोश पड़ा हुआ था। नहीं, मैं स्टाफ के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लुटेरों के बारे में बात कर रहा हूँ। सर, उनमें से मैंने किसी को नहीं देखा यहाँ। चल कोई बात नहीं, है तो बड़ी अजीब बात, सारा स्टाफ बेहोश है, लुटेरों ने दिन दहाड़े बैंक लूटी और भाग गए। अरे आप बैठिए ना, आपके लिए चाय कॉफी पानी वगैरह कुछ मंगवाओ। सर किसी चीज की जरूरत नहीं, थैंक यू। बैठिए। थैंक यू सो मच सर। सर, सर अंदर से कैश गायब है। वो तो होना ही था, देखते हैं सीसीटीवी फुटेज में क्या मिलता है। सर? हाँ। सर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज गायब है, वो रिकॉर्डेड चिप लुटेरे अपने साथ ले गए हैं, और तो और वो कंट्रोल रूम का गार्ड भी बेहोश है। वाह, सीसीटीवी फुटेज गायब है, चिप लुटेरे लेकर गए, इसका एक ही मतलब है कि पूरे प्लानिंग के साथ बैंक को लूटा है। अजय, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स का क्या हाल है? सर पंकज गया चेक करने के लिए। वैसे सचिन, बैंक तो अभी अभी खुली थी, इसका मतलब है बैंक में कस्टमर्स होने चाहिए, लेकिन यहां तो सिर्फ स्टाफ मेंबर्स ही है। लेकिन सर बहुत सारे चेक डिपॉजिट किए गए हैं। इसका मतलब है सचिन की कस्टमर्स थे यहाँ, अगर कस्टमर्स थे तो फिर वो गए तो गए कहां? बस इन सभी लोगों की आंखें एक ही तरह से चढ़ी हुई हैं,
लगता है जैसे सबको एक तरह का नशा हो गया हो। यार मगर सारुंग है, इन सबके शरीर में ये जहर या जो भी दवाई है वो गई कैसे? वही तो। हाँ सर, यही बात तो समझ में नहीं आ रही, ऐसा केस तो पहली बार देखा है। सभी के सभी एक ही वक्त पर बेहोश कैसे होते हैं सभी के सभी? सर हो सकता है इन सब ने कोई ऐसी चीज खाई हो या पी हो जिसमें बेहोशी की दवा मिला दी गई हो। सर कहीं ये गैस का असर तो नहीं? नहीं सचिन, गैस नहीं हो सकती। अगर गैस होती तो अभी भी हम लोगों को गैस की स्मेल आती, तो फिर अमृता जी भी तो बेहोश होती। सर वॉल्ट लॉक है मगर अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। वॉल्ट के अंदर से आवाजें आ रही हैं? हाँ सर। वॉल्ट की चाबी ढूंढो। सब कुछ साफ कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, मगर भूल गए कि दूसरी तरफ सीआईडी है। भूल गए कि दूसरी तरफ सीआईडी है। बहुत बड़ा खतरा मोल लिया इन लुटेरों ने। तो बैंक लूटने वाले तीन लोग थे? तीन लोग? हाँ सर, तीन लोग थे। अच्छा, उन तीनों का चेहरा तुमने करीब से देखा था? जी सर। मतलब उन तीनों ने नकाब नहीं पहना था, तो तुम उन्हें पहचान सकते हो, है ना? बहुत आसानी से सर। सर इसका मतलब उन्हें पहचाने जाने का डर नहीं था। आकार बताओ, क्या था उस चिट्ठी में जिसे पढ़कर शीतल बेहोश हो गई? कुछ नहीं सर। मैंने पूछा क्या था उस चिट्ठी में? सर मैंने उससे सिर्फ पिक्चर जाने के लिए पूछा था सर। हाँ सर ये सच बोल रहा है। कहाँ है वो चिट्ठी? कैबिन में। जाओ लेकर। सरंगे एक बात बताइए, क्या खाया था आप लोगों ने आज सुबह? सर हम सब ने सुबह पेड़े खाए थे। पेड़े खाए थे? अच्छा, क्या आप सब ने पेड़े खाए थे? जी सर। और किस खुशी में? जरा हमें भी बताइए। सर वो हमारी कैंटीन में एक मनोहर काम करता है और उसे बेटी हुई है, तो उसने इस खुशी में हम सबका मुंह मीठा करवाया था। अच्छा पंकज, मनोहर को लेकर आओ। देखो पेड़े बचे होंगे, वो भी लेकर आओ, खाओ मत। इस चिट्ठी में तो कुछ भी नहीं है। मनोहर, मनोहर यही था? यही रहता है। ओह नो, जिंदा है?
एक्सक्यूज मी, हटिए हटिए सर। सर मनोहर बेहोश है और पेड़ भी बिखरे हुए हैं। पेड़े बिखरे हुए हैं, मनोहर बेहोश है, क्या मनोहर ने पेड़े खाए या नाटक कर रहा है बेहोश होने का? उनके काम कर, पेड़ चेक कर, देख उसके अंदर कुछ है क्या। मनोहर पेड़े। सर हाँ, एक बात बहुत खटक रही है। क्या? कस्टमर्स के मुताबिक लुटेरे इस बैंक में 10:15 पे आए थे और ये पूरा वक्त अमृता जी उस मेन डोर के बाहर ही थी। तो ये लुटेरे गए तो गए किस रास्ते से? किसी और रास्ते से श्रेया, किसी और रास्ते से भागे हैं। वो ढूंढना पड़ेगा वो रास्ता कौन सा है। बैंक के पीछे वाला रास्ता यही है, यही से भागे होंगे वो लोग। और सर उन्हें भागते हुए किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा। हाँ। और तो और सर, वो पैदल तो भागे नहीं होंगे। हाँ, गाड़ी जरूर होगी। कोई ना कोई तो उनका आदमी यहाँ पर होना ही चाहिए था उन्हें मदद करने के लिए। देखते स्पान वाले से पूछते। सुनो भैया, सुनने सुनाने का टाइम नहीं है भाई, देख नहीं रहे हो मैं काम कर रहा हूँ? हम लोग सीआईडी से। सर मेरे पास सब कुछ है, लाइसेंस है, मेरे सारे पेपर है और टाइम पे दुकान खोलता हूँ और टाइम पे ही बंद करता हूँ साहब। ज्यादा बात मत करना, बस पूछे हुए सवालों का जवाब दो, समझे? जी सर। तो बताओ, आज सुबह 10:30 के आसपास क्या तुमने 3 लोगों को यहाँ से भागते हुए देखा? 3 लोग? हाँ साहब, हाँ 3 लोगों को देखा था साहब मैंने। अरे चल ठीक है ना यार, नो पार्किंग में पार्क किया तो क्या हुआ, पैसे तुझे दे रहा हूँ ना मैं। चल चौकी पे आके ले जा गाड़ी। अरे साहब मेरी बात तो सुनो ना यार, गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हो आप? जो भी पैसा ले लो, गाड़ी लेकर चले गए। क्या हुआ भाई? वो टो करके लेकर गया भाई। तेरे को बोला था गाड़ी में रहने का भाई, 2 मिनट के लिए बस गया था मैं। रॉकी एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता, समझ में नहीं आता तुझे? अब क्या करे, कोई टैक्सी ऑटो रिक्शा वगैरह रोको। चलो चलो चलो। अरे रोक ना, सुन सुन सुन, वो जो फंसा रही ना उसमें चल, उसमें चल, बाकी का बाद में देखते हैं। चल 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 जल्दी कर। वो बैंक रॉबर्स बस में भाग गए सर, इसका मतलब उन्होंने उस बस को हाईजैक कर लिया है। और सर बस में जितने भी पैसेंजर्स बैठे होंगे उनका भी अपहरण हो गया। बेचारे मासूम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। एक बात बताओ भैया, क्या तुमने उस बस का नंबर नोट किया, कौन सा रूट था, क्या था? नहीं साहब, मैंने बस का नंबर नहीं देखा। अरे यार रोज जाने वाली बस है यहाँ से। नहीं साहब। हाँ पंकज, क्या? ओके थैंक्स सर। हाँ। डॉक्टर सालुंके के मुताबिक बैंक में लोगों ने जो पेड़े खाए थे उसमें नीम की दवा मिला दी गई थी। That's it! नीम की दवा मिलाई थी पेड़ों में। पूरा प्लान बनाया था बैंक लूटने का। पहले बैंक के स्टाफ को बेहोश किया, फिर बैंक लूटी, फिर पैसा लेकर भागे, अपनी गाड़ी में भागने वाले थे मगर ट्रैफिक पुलिस ने उनकी गाड़ी टो कर ली तो बीएसटी बस में चढ़े, बीएसटी बस को हाईजैक किया। पता लगाना पड़ेगा कौन सी बस थी, कौन सी बस थी, कौन सा रूट था। और ट्रैफिक पुलिस से ये भी पता लगाना पड़ेगा लुटेरों के गाड़ी के बारे में जो उन्होंने टो की है। टिकट 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 टिकट। मलाड जाएगी? अरे नंबर देख के चढ़ने का मैम, लो दो। इतना साफ साफ नंबर लिख के रखा, आप लोग देखता ही नहीं।
अरे इंग्लिश हिंदी सब में लिख के रखा है। टिकेट 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 टिकेट। एक टिकेट देना। ओ मैडम किधर जाने का? मलाड चिंचोली बंदर। ये क्या मैडम, 100 रुपये का नोट, छुट्टा दो 8 रुपया। अरे छुट्टा होता तो नोट क्यों देती? वो मेरे को क्या मालूम, मैं अभी किधर जाएगा? और मैं किससे मांगू, ये बस वालों से मांगू? इतना बड़ा थैला लेके चलता है, इसमें 100-200 का छुट्टा नहीं रखता है। चल ले टिकट दे। क्या मैडम आप कितना बात करता है, दिमाग खाता है। लो दो, देखो आज मैं आपको दे दे रहा है, लेकिन कल से अगर छुट्टा लेकर आप नहीं चढ़ेगा ना, मैं आपको टिकट नहीं देगा। मैं देखूंगी कैसे छुट्टा नहीं देता है तू, कैसे टिकट नहीं देता, मैं भी देखूंगी कल, समझा? ए हीरो, स्टैंड बाय जी काय को कर रहा है? इधर से चढ़ना अलाउ नहीं, पता नहीं क्या? ज्यादा बात करना नहीं, नहीं तो साले भेजे में गोली उतार दूंगा। सीधा बस चला, चल 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 चल, एकदम चुप, चलो आगे बढ़ो। अबे चल आगे बढ़, चल चल आगे, चल चल। एक्सक्यूज मी, हेलो हाउ यू आर? आई एम फाइन थैंक यू, नो स्केयर्ड नो किलिंग ओके? ए मिस्टर फाइन, गन अंदर रख लो नहीं तो फाइन देना पड़ेगा, और बस स्टॉप में चढ़ने में शर्म लगता है। क्या देखेगा? चुपचाप यही बैठने का, नहीं तो टपका दूंगा, समझा? बैठा रहे ना बेटा, नहीं तो बच्चों को संभालने के लिए बीवी अकेली रह जाएगी। चल बे तू चलाता रहे। अटेंशन अटेंशन, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी को कुछ नहीं करेंगे, बस एक ही कंडीशन है, आवाज नहीं करने का, चुपचाप बैठने का, और कोई बदमाशी नहीं करने का। मुझे आवाज करने वाले लोग ज्यादा अच्छे लगते नहीं है, हाँ समझे? चल चलाता रह तू। ए, इस हालत में सबका मोबाइल छीन लेना चाहिए तुम्हें, बताना पड़ेगा। हाँ सबसे पहले सबका मोबाइल छीन और बंद कर, जल्दी जल्दी ले वो आंटी का सबसे पहले छीन। चलो चलो चलो, मोबाइल निकाल, ये ले पकड़, उधर से लो, उधर से। चलो चलो चलो, घूर क्या रहा है? हाँ आंखें निकाल दूंगा। ए मिस्टर, अपनी दादागिरी बंद करो और चुपचाप बस से नीचे उतरो, हम तुम्हारी ये गुंडागिरी चलने नहीं देंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, तुम पहले इसको नीचे उतारो। ड्राइवर गाड़ी को पुलिस स्टेशन लेके चलो। क्या नीचे उतरो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, उसको मार दिया तुम लोग? जीडी रोड पे धनवर्षा बैंक में जो बैंक डकैती हुई है, लुटेरे वहां से निकले और सामने एक बस पे चढ़ गए। 10:30 से 11:15 के बीच कौन कौन सी बसें जाती हैं वहां से? सर 10:30 और 11:15 के बीच में यहां से 5 बसें निकलती हैं सर, जिनके नंबर है 311, 312, 314, 318, 321। ये सर एक ही साथ निकली है एक ही रूट पे सर। सर इसका मतलब हमें जिस बस की तलाश है वो इनमें से कोई एक है। आपके टाइम टेबल के हिसाब से 10:30 से 11:15 के बीच एग्जैक्टली कौन सी बस जाती है वहां से? सर 5 बस एक ही रूट से निकली है और एक ही डायरेक्शन में सर। सारे बसेस के ड्राइवर कंडक्टर को पहचानते होंगे ना? सर कुछ लोगों को जानता हूँ, लेकिन सबके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सर। मुझे सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी सर। राजेश। जी सर। 5 बसे के कंडक्टर और ड्राइवर के नंबर और नाम लेके अभी आओ। जी सर। जल्दी। हाँ हेलो, मैं कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। जीडी बस रूट से जितनी भी बसेस गई है उनका मुझे डिटेल चाहिए। 311, 312, 314, 318, 321 ड्राइवर और कंडक्टर के डिटेल्स मुझे चाहिए।
21-42-612. भाई सबको फोन लगाओ जरा। 314 में देखता हूँ, 321, 318, 312। जी सर। सर सर कंडक्टर से बात होगी, बस सेफ है सर। 312 सर, 312 की कंडक्टर से बात होगी, बस सेफ है सर। 321 के कंडक्टर का फोन नहीं लग रहा सर। ड्राइवर ड्राइवर को लगा। हेलो, इस समय कहाँ हैं आप लोग? नहीं, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। 321 के ड्राइवर का फोन बंद आ रहा है सर। 321 यही बस हाईजैक हुई है। 321 पता करो, 321 नंबर बस अगले बस स्टॉप पे पहुंची है कि नहीं। ओके सर। हेलो जी सर, सर मैं आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, 321 नंबर बस इस रूट से गुजरी ही नहीं है। ठीक है सर, जैसे ही कुछ दिखेगा मैं बताता हूँ सर आपको। जी सर मैं देख रहा हूँ सर। सर 321 नंबर बस अगले स्टॉप पे अभी तक नहीं पहुँचे सर। कितना टाइम लगता है जीडी रोड से उस स्टॉप पे पहुँचने में? सर ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। 70 मिनट से ज्यादा हो गए। सर अगर बस खराब होती तो इन्हें मैसेज आ जाता। जी सर, बस खराब होने का मैसेज नहीं आया है, बस अगले स्टॉप पे पहुंची नहीं है। ड्राइवर और कंडक्टर के फोन स्विच ऑफ है, इसका मतलब है कि बस उस रूट पे नहीं है। उस बस में जीपीएस सिस्टम है? सर जीपीएस सिस्टम लगा तो रहा है लेकिन उस बस में नहीं है सर। सर 321 की बस अगर अपने रूट पे नहीं है तो जरूर किसी ना किसी और रूट पे होगी। उनका जल्दी से जल्दी पता लगाना बहुत जरूरी है, इतने सारे मासूम लोगों की जान खतरे में है। सर मगर कैसे पता लगाएंगे, हमारे शहर में 5,000 के ऊपर बीएसटी बसेस है। नेटवर्क? हाँ पंकज, नेटवर्क। 5,000 बसेस के ड्राइवर कंडक्टर को सावधान कर दिया जाए तो पता लगाना मुश्किल नहीं है। सुनिए, आपके जितने भी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं सबको इन्फॉर्म करिए कि हाईजैक बस नंबर 321 जहां कहीं भी दिखाई दे फौरन कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करें। हाँ हेलो, कहीं नंबर बस हाईजैक नहीं? ठीक है बाबू। अरे भाऊ आपला प्रकाश, 321 नंबरची बस तरी कोणतरी किडनॅप केली वाटते। काय म्हणतोयस, ऐसा कसं हो गया? अरे हो प्रवासी सुद्धा त्यामध्ये होते। मला वाटतंय काहीतरी लफडा झालेला आहे। अरे जरा लक्ष दे तिकडे। ठीक आहे ठीक आहे, मैं देखता हूँ आसपास 321 नंबर का बस दिखता है क्या। लक्ष दे बाबा, तिकीट तिकीट पण बाकी तिकीट। बॉस फोन क्यों नहीं उठा रहा, सो गया क्या? अरे भाई जाना किधर है, ये गाड़ी का डीजल खत्म हो रहा है, कहीं भी खड़ी हो जाएगी फिर। अबे ओ चुपचाप गाड़ी चलाते रहे, जब कुछ होगा तो बोलूंगा मैं। आप ऐसा कैसे बोलते हैं? आप थोड़ा सोचो ना, इधर मानुष का कितना खून निकल रहा है, उसको किसी डॉक्टर के पास इलाज के वास्ते लेके जाना पड़ेगा ना। अपने को इंसानियत के नाते कुछ तो सोचना चाहिए ना। अबे ओ इंसानियत, तुझे भी लेटना है इसकी तरह, सारी इंसानियत दरी की दरी रह जाएगी। बॉस आप फोन ही नहीं, बहुत गड़बड़ हो गई है बॉस, सब 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 उल्टा पुल्टा हो गया। नहीं नहीं नहीं, बैंक से पैसे निकाले, सारा माल रख लिया हम लोगों ने, लेकिन जब माल निकाल के बाहर पहुंचे तो टोइंग वाले हमारी गाड़ी लेके निकल गए थे। तो आप दिमाग का इस्तेमाल किया ना भाई, हम लोग को बीएससी की एक बस जा रही थी उसमें चढ़ गए सारे के सारे लोग।
नहीं नहीं सब सेफ है और माल भी मेरे पास है। अभी आप ये बताओ कि करना क्या है, कहाँ आना है, इन सब जगहों से कैसे निकले हम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अहमदाबाद हाईवे सर, आप उसी गाड़ी की बात कर रहे हैं ना जो मलाड में धनवर्षा बैंक के सामने से टो हुई थी करीबन 10:30 के आसपास। हाँ बिल्कुल वही सर, मैंने ही टोकी थी उस गाड़ी को। कहाँ है गाड़ी? आइए देखते हैं। सर ये है वो गाड़ी। सचिन श्रेया पूजा चेक करो गाड़ी को अच्छी तरह से। ये देखिए सर, गाड़ी के पेपर्स डैशबोर्ड में। ये किसी किरण की गाड़ी है, अंधेरी से। किरण? सर आचार्या सर ये देखिए। माय गॉड सारी गन्स। इस किरण से मिलना पड़ेगा। किरण हेलो। हाँ बोला साहब। क्या बस नंबर 321 का अपहरण हो गया? हो साहब। हाँ हाँ मैं नजर रखता हूँ साहब। अरे इधर 321। अरे ये वही बस है जिसका अपहरण हुआ है। ए महेश महेश बस जल्दी से खाली कर। काय झालं? अरे कुछ गुंडों ने बस का अपहरण कर लिया है। वो बस यही अभी अभी गुजरी। वो देख। चल लोकर लोकर खाली करा। चला लोकर लोकर चला लोकर 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 चला चला लोकर। बग 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 लोकर तू पण उतर। तू अपने ध्यान रखना, मैं कंट्रोल रूम में फोन करता हूँ। हेलो कंट्रोल रूम। सीधा नजर सामने से हटाना मत और गाड़ी मुझसे बिना पूछे घुमाना। बस हमारी बस का पीछा कर। ये पुलिस की चाल है, इन लोगों ने बस भेजी हमें रोकने के लिए। तू चलाता रह। चल 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 चल। ये सब कुछ तेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। अगर तू बेवकूफी नहीं करता ना तो हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता। लफड़े में नहीं पड़ते हम लोग।
चल छोड़ ना यार, बाद में बात करेंगे इस बारे में। चल 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 पीछे संभाल। चल अरे प्रकाश गाड़ी रोक, प्रकाश गाड़ी थामो, प्रकाश गाड़ी थामो। अरे नहीं रोक सकता मैं बस। तुझे पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है? गाड़ी चल रही नहीं बता सकता। वैसे आप है कौन? सीआईडी इंस्पेक्टर दुष्यंत। ZH43B4221। सर ये तो मेरे ही गाड़ी का नंबर है। तो फिर बैंक का लूटा हुआ पैसा कहाँ है? बैंक से लूटा हुआ पैसा? हाँ कहाँ है? ये क्या कह रहे हैं आप सर? हवा में नहीं बोल रहा हूँ। जिन्होंने बैंक लूटा है वो तुम्हारी इसी गाड़ी में गए थे बैंक लूटने के लिए। बताइए जल्दी कहाँ है पैसा? मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये लड़का नालायक है, नालायक। कौन लड़का? किसकी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा अंगद, वही ये कार ले गया था। मुझे पहले से अंदेशा था कि वो कुछ ना कुछ गलत काम जरूर करेगा, जरूर करेगा। सिर्फ बैंक का पैसा ही नहीं लूटा किरण जी, बीएससी की बस भी हाईजैक की है। क्या ये आपका बेटा अंगद? फोन लगाइए अंगद को और कहिए उसे कि अपने आप को हमारे हवाले कर दे। सर घंटी तो जा रही है मगर उठा नहीं रहा है। ये लो अंगद, फोन उठा नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अंगद का फोन नंबर ले लो और ट्रेस करो उसका फोन। वो हरा रहे हो, बंद करना चाहते हो? ए दुष्कर, मरने से अच्छा चुप रहो। वरुण, वरुण नहीं, वरुण मार दिया ना बेचारे को। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों मार रहे हैं बेचारे निर्दोष लोगों को? देखिए आप लोगों को सिटी के बाहर जाना है ना, आप चाहो तो हमको और ड्राइवर को रख लो ना। देखो तुम उनको बचा सकते थे। चुप बैठोगे तुम भी अपनी जान गंवा बैठोगे। आप लोगों को सिटी के बाहर जाना है ना, हम लोग पहुंचा देगा आपको। नेता बनेगा? नहीं मैं तो छोड़ने के लिए बोल रहा था। नेता बनेगा? हाँ नहीं इन लोगों को छोड़। अबे साले क्या कर रहे हो यार? छोड़ दो, बताओ तुझे। रास्ते से मत नजर हटा, नेतागिरी करने का बहुत शौक है तुझे। हाँ नेता बनेगा तू, गिराऊं क्या तुझे? सैनी बचाओ, बचाओ सैनी बचाओ, बचाओ। कुछ मत करना उसे, बचाओ मुझे, छोड़ दीजिए ना प्लीज। तुम सीआईडी से बच के नहीं जा पाओगे। ए पीछे हट, गिरा दूंगा इसको। ए पीछे हट, इसे छोड़ दो। ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये
रुक, गिरा, रुक, चल हट, पीछे हट, चल, चल, पीछे हट, ओके, पीछे हट, एक, छोड़ दूँगा इसे, हट, हट, चल पीछे हट, रुको, छोड़ दो उसे, हम लोग पीछे हट जाते, हम लोग पीछे, बचाओ नहीं उठा रहा बॉ क्या करूं मुझे पता था यही होगा हमें फंसाकर खुद भाग गया है अब सीआईडी हम लोगों के पीछे ए, रुक, रुक, रुक। क्या हुआ देख जाल बिछा दिया है चली था हटा इसको रास्ते से चल 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 खाली कर जल्दी रास्ते से हटा चल जल्दी उठा चल चल जा जल्दी कर चल उठा बस के बाहर तो आ गए यहाँ से भाग निकले क्या पागल हो गए हो क्या हम भागे तो वो बस के सारे पैसेंजर को मार डालेगा अरे मुझे बस के पैसेंजर्स की परवाह नहीं है वो मेरे क्या लगते हैं यार नहीं नहीं हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं जल्दी वापस आ चल अंदर चल 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 अंदर चल चल अंदर ये एक कहां गायब हो गया सीआईडी वालों पर भरोसा नहीं कर सकते वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं कैसा तुम लोग सर ठीक है ड्राइविंग स्किल्स काम आ गई और कंडक्टर साहब की किस्मत अच्छी थी सर बचा लो उन लोगों सर उन लोगों ने उनमें से एक आदमी को जान से मार दिया है बाकी लोगों को तो जख्मी नहीं किया ना उन्होंने नहीं सर 16 पैसेंजर में से अभी तक तो सब सही सलामत है लेकिन बहुत डरे हुए हैं वो लोग बात कर रहे थे कि अगर सियाली उनका पीछा करते रहेंगे तो वो हर घंटे एक एक पैसेंजर को बस से बाहर फेंक देंगे कोई बात नहीं हम लोग देखते हैं इसको हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो जल्दी फ्यूल खत्म हो गया हमें जल्द से जल्द फ्यूल भरवाना होगा कम है ना खत्म तो नहीं हुआ है ना चल चल तू गाड़ी चलाता रहे ज्यादा शाना मत बन देखो 10-15 मिनट के अंदर फ्यूल खत्म हो जाएगा और गाड़ी रुक जाएगी अबे ओ ज्यादा होशियारी मत कर मुझे सब पता है यहीं पैर में गोली मार दूंगा समझे फिर मैं बताऊंगा सब कुछ शायद ही सही कह रहे हैं इसकी बात मान ले अभी तू डिसाइड करेगा सही क्या है गलत क्या है हां तुझे किसने बोला मेरे बीच में भूल के टांग अड़ाने के लिए तू लीडर है इस ग्रुप का या मैं लीडर हूं तू क्यों बकबक करता है बे तू है कौन अपनी औकात पर है हर चीज मैं ही डिसाइड करूंगा समझे घूर क्या रहा है मारेगा क्या चल निकल ऐसे निकल देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं तो चलाता रहूंगा लेकिन अगर गाड़ी रुक गई तो सीआईडी पीछे आ रही है तुम सोच लो अगर ये बस रुक गई ना अंगद तो हम सबका खेल खत्म अबे इतना डर लगता है तो तू आया क्यों यहाँ पर चूड़ियां पहन ले चूड़ियां पहन ले और घर में जाके बैठ जा लूटने आया क्यों तू बैंक हमारे साथ
बहुत हो गया तेरा नाटक और भाड़ में गई तेरी लीडर की। अब मैं बोलूंगा और तू सुनेगा और तू वही करेगा जो मैं कहूंगा तुझे, समझा? चल बैठ। ए, ये ले। हाँ। ए, पास वाले पेट्रोल पंप पर ले चल, फुल टैंक करवा। बस में फ्यूल डिब्बो में ही भरवाया जाता है, कहीं और नहीं। फ्यूल भराना है तो डिब्बो जाना ही होगा। पास वाले पेट्रोल पंप पर ले चल, वरना इधर ही तेरा खोपड़ा फोड़ दूंगा। क्या? चल। भाई क्या है ये? बीएसटी बस के लिए नहीं है, गैस भरवानी। अरे यार, यहाँ पर बीएसटी बस में गैस नहीं भरी जाती। देखो मेरी बात सुनो। अरे यार तू नया है क्या? हैं? तुझे पता नहीं है बीएसटी बस में गैस डालने का नौजल अलग होता है, समझा? अब चल निकल यहाँ से। अरे निकल भाई। सुन लिया तुमने? अब क्या करूं? निकल यहाँ से। और सुन, पास में कोई बस डिपो है जहाँ पे गैस भरा सकते हैं? हाँ, आगे थोड़ी दूर। चल वहाँ ले चल, चल। अरे निकल भाई। बोल उसे टंकी फुल करने के लिए, चल। फ्यूल फुल कर दो। सुना नहीं देता क्या? चल टंकी फुल कर। अबे बहरा है क्या? चल टंकी फुल कर। अंगद, पूरी पलटन लेकर आए हैं सीआईडी वाले। लीडर बनना था ना, बनो बनो लीडर। अभी देख सीआईडी वालों ने ऐसा जाल बिछाया है कि सब के सब गए। हीरो बन हीरो। सुनो अंगद, मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो, यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं। बेहतर है कि अपने हाथ ऊपर उठाओ और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अंगद, ऐसे नहीं मानेगा सर। अब एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। एक्शन से पहले ट्रेलर तो देख ले। आ!
एसीबी साहब, ऐसे ग्रेनेड्स और भी है मेरे पास, और हम यहाँ इस पेट्रोल पंप में, अगर मैंने एक ग्रेनेड फेंक दिया ना, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आगे क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यह बस अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक दूसरी बस चाहिए टंकी फुल करके। सर, ये आदमी पागल हो गया है, कुछ भी कर सकता है, हमें थोड़ी देर के लिए इसकी बात मान लेते दया, दे देते हैं उसको दूसरी बस। सुनो, तुम्हारी बात हम मानने को तैयार हैं, हम तुम्हें दूसरी बस दे देंगे, लेकिन लोगों को कुछ नहीं करोगे तुम। अच्छी बात है, चल चलो। चलो नाम पता है, हिस्ट्री सब मालूम है, सीआईडी वालों को सब पता है बेटा, क्या करेगा लीडर, लीडर क्या करेगा है, इधर कुछ चल रहा है? बहुत कुछ है यहाँ पर, अब मुझे मत सिखा, संभाल लूंगा मैं। अबे क्या संभालेगा तू, सब बिगाड़ दिया। बस देखता जा तू, देखता जा। पंडित, बस आ गई है, जाके चेक कर, जा। चल जा, पीछे जा। सबको इकट्ठा कर, दो लाइन बना, एक हमारे आगे एक हमारे पीछे, ठीक है? चल जा, जा, चल। गलती कर रहा है, फिर गलती कर रहा है, मानेगा नहीं। तू भी चल, चलो। सबको मरवाएगा, सबको मरवाने का इंतजाम कर रहा है। मैंने कहा उठ, चल चल निकल। इनको छोड़ के कैसे आ सकते? मैंने कहा चल। बंटी, रॉकी, चलो सबको लेके चलो। जल्दी उतरो, चलो चलो। अगर आ गया, बचा लो, हमें बचा लो, चल चल चलो, बस चलो 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 चलो, ऊपर चलो, बस में चलो, ऊपर चलो 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 चलो। बंटी चढ़, साथ में घुस। मासूम लोगों को बंधक बनाया इन लोगों ने, दया एक बारी हमारे शिकंजे में आ जाए ना, पूरा बैंड बजा देते इनका। चल जल्दी गाड़ी चालू कर, चल चल। अभी भी सलामती चाहता है ना, तो पुराना वाला ड्राइवर मांग। ये ड्राइवर सीआईडी का आदमी भी हो सकता है बेटा, कच्चे हो अभी। ये ड्राइवर नहीं चाहिए मुझे, अपना पुराना वाला ड्राइवर चाहिए, उसे भेज। अच्छा ठीक है, ए चल जा, उतर।
सीआईडी को आज पता चल गया होगा कि वो शहर है तुम सभा से। सीआईडी को उतार दिया आईने में। ज्यादा उछलो मत, वो भी कम नहीं है, समझे? बस के पीछे की तरफ की लाइट जरा ब्लिंक करो, ऑन ऑफ करो। सर, उसने आपकी बात सुन ली है। प्रकाश घबराओ मत, मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हूँ। सीआईडी की कार तुम्हारे बस के पीछे चल रही है। लाल रंग की कार जो देख रहे हो उसमें सीआईडी की टीम है। अब ध्यान से सुनो, सीआईडी का एक बहादुर ऑफिसर तुम्हारे बस में एंटर होगा पीछे से। जब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तुम पैसेंजर को बोलना नीचे झुक जाएं। समझ रहे हो? सिग्नल दूंगा तो तुम पैसेंजर को बोलोगे कि सब नीचे झुक जाएं और तुम बस चलाते रहना। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो पीछे की लाइट दो बार ब्लिंक करो, दो बार ऑन ऑफ करो। बहुत अच्छे, अब सिग्नल का इंतजार करो। प्रकाश रेडी, तुम तैयार हो? हाँ सर, मैं तैयार हूँ। लेकिन सर बस तो चलती ही जा रही है, अंदर कैसे घुसेंगे? एंटर करने वाला ऑफिसर बस के ऊपर चढ़ चुका है। रेडी सर, सीआईडी ऑफिसर पहले से ही बस में पहुंच चुका है। कौन है वो सर? एक नया ऑफिसर है पूर्वी, इंस्पेक्टर काविन। सर ये नाम तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। काविन एक नया जाबाज ऑफिसर है रेडी, हिम्मत और जोश से भरा हुआ है। लेकिन सर एक नए कॉप को ऐसे खतरनाक मिशन पे क्यों भेजा? उसने खुद ही बोला इस मिशन में शामिल होने के लिए। प्रकाश तुम तैयार हो? अगर तैयार हो तो राइट साइड की लाइट ब्लिंक करो एक बार। गोली मत चलाना। नहीं, नहीं, तू चलाता है, चल। हमारा पीछा करेगा, यही चौंका देगा तेरे को। चल भाग इधर से, पीछे मत कर, चल भाग, चल। आई बीन रेडी हो? आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहा हूं सर। ड्राइवर तैयार है, मैं काउंटडाउन शुरू करता हूँ, सब तैयार रहना। ओके, वन पे अंदर जाना है। आई एम रेडी सर। प्रकाश रेडी रहना। पांच, चार, नहीं, तेज चला, चल। तीन, दो, और एक।
ठीक नहीं कर रहे हो। सीआईडी वालों की बात मान लो वरना सब के सब बेमौत मारे जाओगे। मुझे नहीं आती बस चलाना। रॉकी तुझे आती है क्या? हाँ नहीं मुझे भी बस चलाना नहीं आता। मुझे बस चलानी आती है। सब मारे जाएंगे इसलिए कहता हूं मुझे बस चलाने दो। साहब पैसेंजर्स को बचा लो। सर बस कंट्रोल हो रही है। काविन सर से पूछिए हम क्या कर सकते हैं। अभिजीत सर बस के ड्राइवर को गोली लग चुकी है। बस मैं चला रहा हूं पर एक प्रॉब्लम है बस के ब्रेक फेल हो चुके हैं। माय गॉड ब्रेक फेल हो गया है। कंट्रोल करो किसी भी तरीके से। बस धीमी करने की कोशिश करो। गियर चेंज करो गियर चेंज करो गियर। मैं कोशिश कर रहा हूं सर पर स्पीड कम नहीं हो रही। ब्रेक के एयर बॉक्स में गोली लग चुकी है। ब्रेक्स पूरी तरह से फेल हो चुके हैं सर। लेफ्ट टर्न है फ्री टर्न है गाड़ी उसमें डाल दो सीधे समंदर की तरफ जाएगी। उधर ट्रैफिक भी नहीं है। ओके जी सर। गाड़ी का टैंकर लीक कर रहा है हो सकता है डीजल खत्म हो जाए तो बस अपने आप रुक जाएगी। तुम चलाते रहो। चूहे बिल्ली का खेल अब वही होगा जो मैं चाहूंगा।
चिंटो, हम लोग खून खराबा नहीं चाहते, समझे तुम? तुम ये मत सोचना चिंटो, किसी की जान लेके बच जाओगे तुम। बेहतर होगा अपनी गन नीचे रख दो, हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। रास्ता? रास्ता? अगर तुम चाहते हो ना कि यहाँ पर खून खराबा ना हो, तो हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर मंगा दो, और 20 मिनट में ये हेलीकॉप्टर यहाँ होना चाहिए। वे हेलीकॉप्टर का ट्रैक्टर है क्या जो 20 मिनट में आ जाएगा? मुझे नहीं मालूम कितना टाइम लगेगा। सोच लो, अगर 20 मिनट में यहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं आया ना, तो उसके बाद हर 5 मिनट में यहाँ पर एक एक पैसेंजर की लाश पड़ी होगी। नहीं, नहीं, कुछ नहीं करना किसी को। मैं कोशिश करता हूँ, मंगाता हूँ हेलीकॉप्टर, किसी को कुछ मत करना। जल्दी, सिर्फ 20 मिनट। चल, बीस मिनट में हेलीकॉप्टर आने वाला है, तैयार रहना। अबे वो हेलीकॉप्टर बच्चा है, बच्चा अभी तो। मैं बोल रहा हूँ मेरे को संभालने दे, मैं चाहती हूँ लेकिन तुम्हें उनको निकाल दूंगा। ये जो सीआईडी वाले होते हैं ना, कुत्तों की तरह मारते हैं इस टाइम पे, इनका भरोसा नहीं करना चाहिए, समझा? मच्छी की तरह फड़फड़ा रहा है, लेकिन अभी भी दम है तुझमें। हाँ, दम निकालूंगा तेरा। तू तो बोलता है, पीठ पीछे पेट में मारा था तूने तो कैसे? मारना मार, दम नहीं है तेरे को। पेट में मारा था ना, खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। बस 20 मिनट में हेलीकॉप्टर पहुंचता ही हुआ। अगर 20 मिनट में हेलीकॉप्टर नहीं आया तो क्या करेंगे? तो 20 मिनट के बाद हर 5 मिनट में इनमें से एक मरेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कर, एकदम। ये सर, अब ये क्या हुआ सर? पागल हो गया है, 20 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर चाहिए। नहीं तो 5-5 मिनट के अंदर मैं एक एक आदमी की जान लेता जाएगा। क्या हेलीकॉप्टर मांग रहे? काम करो, मंगवाओ हेलीकॉप्टर, दे दो उनको। सही मौका है हमें मासूम लोगों को बचाने का, उन पैसेंजर्स को मंगवाओ। यस सर। हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। जी हाँ, मुझे 20 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर चाहिए, 20 मिनट के अंदर। हाँ हेलो काविन, काविन मेरी आवाज सुन रहे हो? काविन, पता नहीं काविन ठीक है भी कि नहीं, उससे कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, वरना प्लान आगे कैसे बढ़ेगा? सर, हो सकता है उनका ईयरफोन सिग्नल नहीं पकड़ रहा, पता नहीं क्या है। काविन, काविन अभिजीत बोल रहा हूं। काविन, काविन मेरी आवाज सुन रहे हो? काविन, 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 काविन तुम ठीक हो? तुम ठीक हो काविन? मैं ठीक हूं सर। काविन एक प्लान है। सुन रहा हूं सर, कहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, टाइम आ गया है उनका बैंड बजाने का।
चल सबको इकट्ठा कर, निकाल रहे बस से, चल। मेरी बात मान, मैं कह रहा हूँ अभी भी गलती कर रहा है तू, सबके सब कुत्तों की तरह मरेंगे, सबको मरवाएगा तू। मैं जो कह रहा हूँ वो कर, बात समझ, नहीं तो मरेंगे। क्या समझता है एड़ा हूँ मैं, हाँ इस गेम में नया हूँ क्या? हाँ ये 16 लोग देख रहे हैं ना, ये 16 लोग अपनी टिकट है, जिंदगी की टिकट, समझा? अब तू सुन चुप करके, जिंदा रहना चाहता है ना तो हमारे साथ चल, अगर CID की गोली से मरना चाहता है ना तो इधर ही बैठ, बैठ इधर आराम से। हाँ सोच ले, अभी भी टाइम है तेरे पास। ए बटी रोकी, चल चल, एक एक को लेके चल, चल खड़ा हो, चल चल, चल खड़ा हो, सबको ले, चल चल ले ले। चलो नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो, चल। ए चलो बाहर निकलो, निकलो बाहर निकलो, एक एक करके बाहर निकलो। अभिजीत मासूम लोग हैं तो बच्चा भी है, देखो कुछ नहीं होना चाहिए इन लोगों को। हाँ आगे बढ़ो, एक एक करके आगे बढ़ो, चलो ऐसी गोली चलेगी, सब लोग झुक जाना, लेट जाना, सब लोग। ए, चल। कोई नाटक नहीं, हथियार नीचे, हथियार नीचे। लाशों को पहुंचाने का इंतजाम करो। जी सर। ये मिशन कंप्लीट हो गया सर। हाँ सारे निर्दोष लोग बच गए, ये तो बहुत खून खराब हो जाता है। चलो। यस सर।
अश्विन। सर ये देखिए, ये चारों फोटोज मुझे उस कबर्ड में मिली। मतलब इन चारों को मैंने कहीं देखा है? ये मैं भी सोच रहा हूं कि इन चारों को मैंने कहां पे देखा है। ये चारों तो उसी बस में पैसेंजर्स थे जो बस हाईजैक हुई है। क्या ये सबका क्या मतलब हो सकता है? सर इन फोटोज का यहां होना बहुत कुछ कहता है। हाँ सचिन। क्या? माय गॉड। ठीक है, चारों के फोटोग्राफ भेज दो जल्दी। हाँ क्या हुआ सर? अभिजीत, इस बैंक रॉबरी के पीछे जिसका भी दिमाग है ना, उसके घर में से चार कैदियों के फोटोग्राफ्स मिले हैं। वो चारों कैदी हाई सिक्योरिटी जेल में से भागे हैं। और हाँ, इस बस में पैसेंजर बने हुए थे वो। यहाँ पे? हाँ, लेट्स गो। रेडी, इधर जल्दी। इन चार पैसेंजर्स को देखा है? कह दिए ये चारों लोग। सर अभी अभी तो इधर थे। फिर गए कहाँ? एक काम करो, फैल जाओ सब लोग और ढूंढो उनको। हाँ अभिजीत, ये सारा का सारा प्लान था इन चारों को शहर से भगाने का। बैंक रॉबरी के बहाने बस हाईजैक करना सब धोखा था। पैसेंजर के साथ मिलकर चारों निकल गए। हाँ निकल तो गए, पर कब तक और कहाँ तक? पूरी हिफाजत के साथ ले आए। जरा सोचो, अगर उन्हें पता होता कि वो चार फरार कैदियों को पुलिस से बचा रहे हैं तो तुम्हारी खैर नहीं थी। अरे क्या मस्त प्लान था यार, एकदम सॉलिड। और सबसे बड़ी बात है, जैसा प्लान वैसा ही रिजल्ट। इसमें आप लोगों की मेहनत बहुत है, इसका फल भी वैसा ही मिलना मांगता तुमको। अरे सीआईडी वाले तो अभी चक्कर खा रहे होंगे, कभी सोचा भी नहीं होगा उन्होंने कि कोई उन्हें ऐसा भी उल्लू बना सकता है। बड़े चालाक बन रहे थे।
सीआईडी वालों से पंगा लिया। बहुत बड़ा प्लान बनाया था हमें फंसाने का, ये सोचकर कि चारों लोग तुम शहर से गायब हो जाओगे और पुलिस यहाँ तुम्हें शहर में ढूंढती रह जाएगी। क्यों? इसीलिए बड़ी चलाकी से तुम बस के पैसेंजर्स में मिक्स हो और आंखों में धूल झोंकने के लिए अंगद और चिंटू को लालच दे के बैंक लुटवा दिया और फिर उस गाड़ी को टो करके उन बैंक रॉबर्स के लिए ऐसे हालात पैदा किए कि उन्हें उसी बस में जाने के लिए मजबूर कर दिया। हा? उन चारों को बस में घुसने के लिए मनाया कैसे तुमने? सर, सर मैंने अंगद को इस प्लान के बारे में बताया था। लेकिन अंगद को ये नहीं बताया था कि इस प्लान में उसकी जान भी जा सकती है। एक बैंक लूटा, बीएससी बस हाईजैक की जिसमें मासूम लोग थे, मतलब उन्हें भी किडनैप किया और तो और एक खून भी किया। ये जुर्म तो एक देशद्रोही ही कर सकता है। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। प्लीज प्लीज सर, ले जाओ इसे, चल। Kavin, welcome to CID. Thank you, sir. Sushant, welcome. Thank you, sir. Let's go. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.